जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। विकास इकोटेक में देखिए तेजी का दौर शुरू हो गया है। ये गिरावट पर तेजी का दौर शॉर्ट टर्म में चलते रहता है, लेकिन लोग क्या होते हैं जो खासकर इस स्टॉक में, मान लीजिए किसी भी स्टॉक में नए नए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस गिरावट को लेकर या तेजी को लेकर, तेजी को तो लेकर कोई नहीं घबराता, लेकिन जब इसमें गिरावट चल रहा होता है, जैसे दूसरे तमाम पेन स्टॉक्स में अभी भी गिरावट का दौर चल रहा है, तो इससे वो घबरा जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ इससे घबराना नहीं है, शॉर्ट टर्म की बात है। लॉन्ग टर्म में भी आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसका शेयर प्राइस आपको ऊपर ही जाते हुए दिखेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले बीएसई की वेबसाइट पर, कुछ टेक्निकल और कुछ जरूरी बातों को समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर चार्ट पर समझेंगे कि अभी शॉर्ट टर्म में इसका क्या टारगेट रहने वाला है, नए और पुराने इन्वेस्टर्स के लिए क्या जरूरी कदम उठाने की बात कही जाएगी, इसमें वो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर आप बेसिक वेबसाइट पर देखेंगे विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया। अभी ये कोई भी रेड फ्लैग में नहीं, ना तो ये एसएम स्टेज वन की कैटेगरी में, ना ही एसएम स्टेज टू की कैटेगरी में कोई भी रेड फ्लैग इस स्टॉक में नहीं लगा, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए कि ये स्टॉक अभी रेड फ्लैग में नहीं है, और ना ही ये स्टॉक आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे नोटिफिकेशन में अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये स्टॉक लोअर सर्किट या अपर सर्किट में देखिए चलते हुए नहीं दिखेगा। हालांकि अपर सर्किट में नहीं लगा है, फिर भी शेयर प्राइस धीरे धीरे करके ही ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे करके ही ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है ना, इसका ग्रोथ बहुत है, और ग्रोथ के हिसाब से और जिस प्रकार से कंपनी का फंडामेंटल है, इसमें शेयर प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर ही आपको जाते हुए दिखेगा, भले अपर सर्किट लगे ना लगे। अपर सर्किट में क्या होता है कि तेजी थोड़ी जल्दी दिख जाती है, और नहीं लगता है तो धीरे धीरे करके तेजी दिखती है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म आपको तेजी ही दिखेगी। जब आप नीचे आएंगे कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में, तो कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में नीचे आपको दिखेगा कि इसका जो ट्रेडिंग विंडो है क्लोज कर दिया गया था लास्ट मार्च मंथ के लास्ट में, यानी कि इस मंथ के लास्ट तक इस कंपनी का जो क्वार्टर फोर का नंबर है, क्वार्टर फोर का नंबर यानी कि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आ सकता है, और मार्च क्वार्टर का रिजल्ट जबरदस्त आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले तमाम क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसके बेसिस पे मैं ये बातें कह रहा हूँ। और क्वार्टर फोर का नंबर आएगा तो शेयर प्राइस जो अभी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, उसमें अपर सर्किट लगते हुए दिख सकता है आपको, और अपर सर्किट लगेगा कि जरूरी तो फिर से स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के पास जाते हुए दिखेगा। चार्ट पर हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो अब हम लोग चलते हैं विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी के, सबसे पहले चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक साल के चार्ट को ओपन किया हुआ है, और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि अभी स्टॉक में क्या हो सकता है। सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट लेवल था, ये 3.5 रुपए का लेवल, यहाँ से देखेंगे तो प्राइस ऊपर गिरती हुआ रहा था। मैं बार बार कह रहा था आपको कि यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आया और यहीं से फिर प्राइस देखिए उठना शुरू, और यहाँ से उठा, उठने के बाद फिर अभी जाके ये इस रेंज में फंसा, 4.5 रुपए से लेकर 4 रुपए के लेवल में फंसा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों है, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा समय बिताएगा, और समय बिताने के बाद फिर प्राइस इससे ऊपर निकलेगा, तो इसलिए आपको 5.5 रुपए तक जाते हुए दिखेगा, जो कि इसका प्रीवियस हाई आप मान के चल सकते हैं, तकरीबन 5.5 रुपए तक। तो अभी आपको करना क्या है कि जिसका भी इसमें इन्वेस्टमेंट है वो इसमें अभी बने रहिए, आपकी बहुत जल्द एक अच्छा और 5.5 रुपए से भी प्राइस ऊपर जाएगा, इस लेवल को निकालेगा, तो क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जब तो प्राइस इसका धीरे धीरे करके एक नया हाई बनाते हुए चल रहा है, तो जाहिर सी बात है एक हाई इसने यहाँ पे, एक हाई इसने यहाँ पे बनाया, दूसरा यहाँ पे बनाया, तीसरा यहाँ पे बनाया, चौथा यहाँ पर, पांचवा हाई नया यहाँ पे बनने जा रहा है, तो जब नया हाई बनेगा तो जाहिर सी बात है प्रीवियस हाई जो मान लीजिए 5.5 रुपए करीब इससे ऊपर ही बनेगा, और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म जब आपका इसमें इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो प्राइस आप ग्रोथ ही करेगा और प्राइस धीरे धीरे इसका ऊपर ही जाएगा, तो आपको इसमें बस समय देना है, और जो नए व्यक्ति वो अभी एंट्री मत लीजिएगा, यदि कोई नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है तो इस लेवल को पार करने के बाद, जो कि 4.5 रुपए का लेवल है, 4.5 रुपए का लेवल जैसे इसका प्राइस निकालेगा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है कि अभी प्राइस कम है तो यहीं पे एंट्री क्यों नहीं ले ले, क्योंकि ये अभी कंसोलिडेशन में फंसा, और कंसोलिडेशन में जो प्राइस होता है तो उसमें से बाहर निकलने का हम वेट करना चाहिए, इस रेंज से जब स्टॉक का प्राइस बाहर निकलेगा, जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर निकलेगा, तो फिर आप यहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं ऊपर निकलने के बाद। बाकी तमाम चीज़ जैसे मैंने कंपनी के काम और फंडामेंटल के बारे में पहले भी आपको बताया कि कंपनी जो केमिकल के सेक्टर से बिलोंग करते हैं, केमिकल का यूज आजकल हर एक चीज़ों में किया जाए, कोई ऐसा चीज़ नहीं है नहाने खाने से लेकर कोई भी चीज़ जो आपको मन में आता हो जिसमें केमिकल का यूज नहीं किया जाता हो, इसलिए केमिकल पर जो फोकस करने वाली कंपनी है उन पर ध्यान दीजिए, इसमें से एक स्टॉक ये भी है विकास इकोटेक, और इस कंपनी का फंडामेंटल भी काफी बढ़िया है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको निगेटिव नहीं दिखेगा, मार्केट कैप पी और प्लस कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी सब चीज़ आपको पॉजिटिव दिखेगा, और बाकी कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसलिए आपको विकास इकोटेक में समय देने की आवश्यकता है, समय देंगे तो समय के साथ आपका इसमें जो मतलब आपको पैसा लगा हुआ है पैसा आपको ग्रो ही करेगा, और जिसमें बताया कि अभी कंपनी के क्वार्टर फोर का नंबर आने वाले हैं तो वो अभी प्रीवियस क्वार्टर्स के जो नंबर देखेंगे अच्छा है, और उसके मुकाबले ये भी अच्छा आने की उम्मीद है, और नंबर्स अच्छे आएंगे तो इससे क्या होगा कंपनी का जो फंडामेंटल है वो और भी मजबूत होगा, फंडामेंटल मजबूत होने से आपका जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वह भी आपका मजबूत होगा। उम्मीद करता हूँ विकास इकोटेक के बारे में जानकारी मैंने आपको समझ में आ रहा होगा, मन में कोई भी सवाल है तो मन में जरूर पूछिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो पहले धन्यवाद, शुक्रिया।